तब तक के लिए नमस्कार। आपकी अदालत के बाद अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एसीपी ट्रैफिक संकेत कौशिक की ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई है। एसीपी ट्रैफिक संकेत कौशिक रजोकरी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे, जख्मी हालत में उन्हें एम्स ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एसीपी ट्रैफिक कि एक सड़क हादसे में जान चली गई है। बताया जा रहा है कि वो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे, एसीपी संकेत कौशिक उनका नाम है, रजोकरी फ्लाईओवर पर वो ड्यूटी कर रहे थे और उसी दौरान हादसे में वो जख्मी हुए। जख्मी हालत में उन्हें एम्स ले जाया गया, एम्स में भर्ती किया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, डॉक्टरों ने उन्हें कुछ देर पहले मृत घोषित किया। संकेत कौशिक दिल्ली में एसीपी ट्रैफिक जो रजोकरी इलाके में ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे और ट्रैफिक मैनेज करते वक्त संकेत कौशिक एक हादसे का शिकार हुए और जो खबर मिल रही है कि कुछ देर पहले डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। तो दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रैफिक मैनेज करने के दौरान एसीपी की रजोकरी इलाके में मौत हो गई। संकेत कौशिक इनका नाम है और कुछ देर पहले जो अपडेट्स आ रहे हैं कि इलाज के दौरान एम्स में उनकी मौत हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, संकेत कौशिक कहाँ तैनात थे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं? देखिए, जो संकेत कौशिक हैं ये एसीपी ट्रैफिक साउथ वेस्ट में थे और ये ट्रैफिक पूरा मैनेज कर रहे थे। रजोकरी जो फ्लाईओवर है उसके नीचे ये खड़े हुए थे और इनको एक जो अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस जो व्हीकल उनको हिट किया है उसके बाद इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है जहां पर इनको ब्लड डेड डिक्लेयर किया गया, एम्स इनको लेकर आया गया था। तो फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हुआ कैसे, अतुल क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? फिलहाल शायद अतुल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच जो जानकारी अब तक अतुल से हमें मिली वो ये कि ड्यूटी पर रजोकरी फ्लाईओवर के नीचे एसीपी संकेत कौशिक मौजूद थे, उसी समय किसी तरह यह हादसा हुआ, जख्मी हालत में उन्हें एम्स ले जाया गया जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। खबरों में आगे बढ़ते हैं।